क्या खूबसूरत व्यूज आपको नज़र आ रहे होंगे, रंग बिरंग के लाइटें यहाँ अप डाउन कर रही है और काफ़ी शानदार नज़ारे जो कि देख रहे हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं राजा पांडे और आप देख रहे हैं राजा पांडे एट द रेट ब्लॉग चैनल। दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में मैं एक बहुत ही अच्छी जगह घूमने जा रहा हूं जो कि लखनऊ का जान दिल धड़कन बोला जाता है। दोस्तों, उस प्लेस का नाम है हजरतगंज, जो कि लखनऊ के दिल और धड़कन बोला जाता है। दोस्तों, अगर आप लखनऊ आए और हजरतगंज नहीं घूमें तो क्या ही घूमें। आज मैं इसी चीज़ को दिखाने आप सभी को चल रहा हूँ। दोस्तों, आप सभी को मैं लेकर चलता हूँ हजरतगंज। तो दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके प्यार के बिना ये मेरा चैनल अधूरा है दोस्तों, और इसको छोटा चैनल समझकर इग्नोर मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर मैं बहुत ही बड़ा लेवल का ब्लॉगिंग करने वाला हूँ दोस्तों, आप सभी के साथ। तो आप सभी मेरे साथ जुड़े और थोड़ी हेल्प कर दें मेरी। तो आइए, मैं आपको लेकर चलता हूँ हजरतगंज। हजरतगंज में एक हनुमान जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों, और ये आप देख सकते हैं हनुमान जी यहाँ विराजमान है। तो आप आइए तो एक बार ज़रूर यहाँ दर्शन कर लीजिए और प्रसाद चढ़ा दीजिए दोस्तों, बहुत ही यहाँ आना शुभ माना जाता है। तो आप देख सकते हैं हम अभी मेट्रो स्टेशन में हैं हजरतगंज में, और यहाँ का थोड़ा मुझे लगा कि आपको दिखा दूँ। हजरतगंज में एक मेट्रो स्टेशन भी है जो कि मैं हजरतगंज के नीचे नीचे चलता है दोस्तों। तो आप ये देख सकते हैं उसके अंदर का, मैं अभी उसके अंदर हूँ। तो आपको मैं दिखा दूँ यहाँ के सारे नज़ारे, और थोड़ी देर में मेट्रो ट्रेन भी दिखाऊँगा आपको। तो ये देख सकते हैं टोटल जो एरिया आप देख पा रहे होंगे, ये हजरतगंज के एरिया हैं, और ये काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है इस हजरतगंज मेट्रो स्टेशन को। तो आपको ये दिख रहा होगा, काफ़ी शानदार है दोस्तों, काफ़ी शानदार है। तो आइए मैं आपको और भी अच्छे तरीके से इसको दिखा दूँ। देख सकते हैं हम ऊपर आ गए, और ये सामने का टोटल व्यू हजरतगंज का, ये चौराहा है दोस्तों। देख सकते हैं कितना काफ़ी खूबसूरत है भाई, काफ़ी खूबसूरत। अभी थोड़ी शाम हुई है, अभी थोड़ा अंधेरा हो जाएगा तो और भी मज़ेदार दिखेगा। और यहाँ क्राउड पब्लिक तो मानो यार पूरी लखनऊ का यहीं आती है। देख सकते हैं अभी ये जो मेरे पीछे एरिया देख रहे हैं, ये लैपटॉप और प्रिंटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बहुत ही बड़ा मार्केट है दोस्तों। और मैं थोड़ी देर में आपको इस एरिया में भी लेकर चल के दिखाता हूँ दोस्तों। बाकी ये मैं हजरतगंज चौराहे को, मेन चौराहे पर खड़ा हूँ दोस्तों, जो कि जहाँ से ये सामने आपको मिलेगी। इसे दोस्तों हजरतगंज का नाजा मार्केट बोलते हैं। अगर आप इंटरनेट पर भी सर्च मारेंगे तो इसका टोटल हिस्ट्री आप जान पाएंगे। यहाँ कैसा भी लैपटॉप ख़राब हो, नया हो, पुराना हो, सभी तरह का यहाँ मिल जाता है। देख सकते हैं दोस्तों, ये एक बड़ी बड़ी शॉप्स हैं। देखिए डेल का लिखा हुआ है, और इधर ये आपके सामने एक बहुत ही बड़ा लैपटॉप का मार्केट है। काफ़ी गजब का यहाँ शानदार नज़ारा दिख रहा है, और काफ़ी लोग भी हैं यहाँ, काफ़ी क्राउड है, पब्लिक है, और यहाँ तो एनी टाइम ही पब्लिक रहती है दोस्तों। ये अपने आप में हजरतगंज लजीज खानों के से भी जाना जाता है, और यहाँ भाई लखनऊ आए और हजरतगंज ना घूमे तो फिर लखनऊ आना बेकार है। तो ये हमारा लखनऊ, और लखनऊ का सबसे खूबसूरत जगह हजरतगंज में हम यहाँ अभी खड़े हैं इस वक्त। तो आप देख सकते हैं अभी हमारे पीछे जो पड़ा है हजरतगंज चौराहा है दोस्तों। ये देख सकते हैं सामने क्या खूबसूरत व्यूज़ आपको नज़र आ रहे होंगे, रंग बिरंग के लाइटें यहाँ अप डाउन कर रही है, और काफ़ी शानदार नज़ारे जो कि देख रहे हैं। मंडल रेलवे प्रबंधक कार्यालय लखनऊ का ये दृश्य है, और काफ़ी सुंदर लगा मुझे, काफ़ी सुंदर लगा भाई, काफ़ी सुंदर लगा।
और ये इधर जितने भी एरिया हैं ये हजरतगंज का है, और आगे चलने के बाद वो हमारा चौराहा पड़ेगा, वहाँ से एक चारबाग का रास्ता जाता है, फिर पॉलिटेक्निक का रास्ता जाता है। लेकिन मुझे ये चीज़ें अच्छा लगी तो मैं आपको दिखाया। आप ये देख सकते कितनी खूबसूरत लाइटिंग देख रहे हैं, प्रॉपर वे में कितना खूबसूरत, हर एक लाइटिंग हर एक समय में कितना खूबसूरत चीज़ दिखा रहा है। और इनके कुछ टाइम लाइटिंग के कुछ समय तय किया, उस समय पे चेंज होते रहते हैं धीरे धीरे, देख सकते हैं आप। अभी देखिए चेंज हो गया लाइट, काफ़ी खूबसूरत नज़ारे लग रहे हैं भाई, काफ़ी खूबसूरत नज़ारे। जो मेहंदी का शौक़ रखते हैं कि अपने हाथों पर मेहंदी चढ़वाने का, तो यहाँ भी काफ़ी खूबसूरत मेहंदी का डिज़ाइन बनाया जाता है, और काफ़ी बढ़िया मेहंदी का यहाँ मेहंदी लगाने वाले कलाकार हैं, और काफ़ी आपको अच्छे तरीके से मेहंदी लगा देंगे दोस्तों। काफ़ी शानदार इधर देख सकते हैं, बगल में भी मेहंदी लगाई जा रही है, और काफ़ी बढ़िया यहाँ ये मेहंदी का और खाने पीने का भी यहाँ हर चीज़ है। मुझे तो एक चीज़ बढ़िया लगा जो कि ये लोग मेहंदी हाथ पे खूबसूरत तरीके से, जो हमारे फीमेल व्यूअर है अगर लखनऊ में आना चाहती तो आइए एक बार यहाँ आकर मेहंदी लगवाइए, काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई। यहाँ मेहंदी लगाने वाले बहुत अच्छे तरीके से मेहंदी लगाते हैं और काफ़ी टाइम देते हैं, काफ़ी खूबसूरत तरीके से। दोस्तों मुझे रास्ते में यहाँ हजरतगंज में कुछ मिला, और ये मैं आपको दिखा दूँ, ये गोरीला, सॉरी इसके आँखों में, ये गोरीला का यहाँ मास्क बेचा जा रहा है, और यहाँ छोटा बच्चा बेचारा, यहाँ छोटा लड़का बेच रहा है इस मास्क को। मुझे अच्छा लगा देखकर कि भाई काफ़ी खूबसूरत, यार मैं ज़रा इसको पहन लूँ, देखता हूँ कैसा लगता है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये इस प्रकार से दिखता है कुछ, काफ़ी गजब। तो आई होप कि बहुत अच्छा लगा आपको। दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से सारे मास्क लगाए हुए हैं, अगर आप हजरतगंज आए तो इस छोटू के पास से, ये जो छोटू है यहाँ से एक खरीदिए, और बेचारा काफ़ी अपना मेहनत कर रहा है। पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो अभी तुम? पढ़ाई करते हैं आप? इनकी मम्मी हैं, इनकी ये मम्मी हैं, और बेचारे ये दोनों अपना कमा रही हैं, यहाँ नींबू पानी पिलाती हैं बेचारी ये, और ये इनका बच्चा जो है अपना बेचारा मोज़ा और ये मास्क वास्क बेचता है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो आइए और यहाँ आइए तो जरूर इसको एक दो खरीद लीजिए आप लोगों। ये जो पूरा हजरतगंज है ये शॉपिंग के मामले में भी नंबर वन रैंक पे आता है लखनऊ में, और ये जो एरिया है खाने पीने के मामले में भी नंबर वन पे आता है, और ये जो सारे एरियाज हैं ये घूमने फिरने का भी बहुत ही एक अलग फील देता है। यहाँ जैसे आप आएँगे तो लगेगा कि यार मैं कई विदेशों के शहरों में आ गया, और इतना सफाई, इतनी खूबसूरत तरीके से इसको साफ सुथरा रखा गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं बहुत ही अमेजिंग। हाँ, और जितने भी बॉलीवुड के स्टार हैं, अक्षय कुमार हो गए हैं, अजय देवगन हो गए हैं, और अमिताभ बच्चन हो गए, जितने भी हैं और जितने भी ये स्टार हैं वो यहाँ आकर शॉपिंग कर चुके हैं हजरतगंज में। तो मैं किसी भी शॉप का या किसी भी ब्रांड का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट अपना ब्लॉग चला रहा हूँ और अपना वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। और मैं हाँ इस ब्लॉग में किसी भी ब्रांड का मैं नाम नहीं लूँगा, मैं जो हकीकत था मैंने बताया। अक्षय कुमार का रिसेंटली में एक वीडियो आया था कि यहाँ पर आकर शॉपिंग कर रहे थे, सामने ही है एक शॉप्स है कपड़े का, तो वहाँ से उन्होंने अपना शॉपिंग किया, और मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये शाहू सिनेमा है, और यहाँ मूवी वूवी लगती हैं, थिएटर है, तो आप अगर आपको मूवी देखने का इच्छा हो तो आप यहाँ आकर मूवी देख सकते हैं, फिर इंजॉय करें अपना। दोस्तों मैं अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूं दोस्तों, काफ़ी समय हो गया और काफ़ी रात हो चुका है, और देख सकते हैं काफ़ी अंधेरा हो गया है, तो मैं इस ब्लॉग का यहीं एंड करता हूं दोस्तों। सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट कर दीजिएगा, और आप सपोर्ट करें हमें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।